हेलो एवरीवन, इट्स मानसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये वाला वीडियो होने वाला है मीशो हील्स हॉल वीडियो, जिसमें मैंने मेरी सारी हील्स इंक्लूड की हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर भी मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो जो फर्स्ट पैर मैं लेके आपको दिखाना चाह रही हूँ वो मेरा एक तरह से फेवरेट है, क्योंकि मेरे को ये वाले हील्स बहुत टाइम से चाहिए थे और मैंने परचेज कर ली है फाइनली, और ये बहुत ज़्यादा लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखो एक सेकेंड, देखो ये ब्लैक में मिल जाते हैं आपको, प्रॉपर हील्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है और इसकी जो बेल्ट की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो ये हुक है ना यहाँ पर दिया हुआ है ये भी बहुत अच्छा, तो लुक बहुत अच्छा आता है इससे। ठीक है, फ्रंट में ये कुछ इस तरह से, ये थोड़े से ना गंदे से हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर वेलवेट का पूरा मिल जाता है, पूरे जो कोटिंग है ना इसमें पूरी वेलवेट की हो रही है। अब देखो आगे से पीछे से पूरा ना वेलवेट से कोटिंग हो रही है, और ये 900 समथिंग का इसका कुछ कॉस्ट था, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। बहुत हाई हील है, ऐसी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और लॉन्ग के लिए भी अच्छी है। बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं इसमें और बहुत सारे लाइक बहुत, अब तो इसके बहुत ज़्यादा मतलब मैं स्क्रॉल करती हूँ ना तो ये वाली हील्स तो बहुत ज़्यादा दिखती है, पहले तो दिखती नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा दिखती है। सो ये आप परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट हील है। बात करते हैं सेकेंड हील का, तो सेकेंड हील मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाली, क्योंकि ये मैंने मस्ट हैव्स में भी है, क्योंकि ये वाली हील्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। लाइक ये वाली हील अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसका लुक आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सेकंड, इसका लुक बहुत डिफरेंट है, पूरी ट्रांसपेरेंट में मिल जाती है आपको। लाइक इसके जो हील है वो भी ट्रांसपेरेंट में मिल जाते हैं और इसके स्ट्रेप्स भी आपको ट्रांसपेरेंट में मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो शेड है वो मेरा थोड़ा सा ना लाइक न्यूड शेड है, लाइक स्किन कलर का शेड है कुछ। ओके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, साइजेस भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये वाली मैंने परचेज की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक मैं ट्रायल्स में काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ, बाहर मैंने ये एक बार भी नहीं पहनी, मैंने सिर्फ ब्लैक वाली पहनी है बाहर, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ हील्स में, बट मुझे अच्छा लगता है, मेरा कलेक्शन इतना अच्छा है, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सेकंड मेरी हील ये है। सो बात करेंगे नेक्स्ट हील की, तो नेक्स्ट हील मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है। लाइक ये वाली हील्स आपको कुछ ब्लू कलर के शेड में मिल जाती है, ये सिंथेटिक लेदर में मिल जाती है। लाइक इसमें जो फैब्रिक लगा हुआ है, कोटिंग हुई है, वो सिंथेटिक की है एंड ब्लू शेड में है, स्काई ब्लू शेड में, बहुत सुंदर है। जैसे पिक्चर इसकी दिख रही है ना वैसा ही सेम प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। और इससे मेरा साइज अगेन सब में मेरा 5 ही है, और इसकी बेल्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो हुक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग बहुत अच्छे से की हुई है। लाइक थोड़ा सा सिंथेटिक लेदर क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा भी अगर कहीं पर लग जाता है ना तो हट जाता है, तो इसकी एक ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ऐसे हटा हुआ मिला था, बट इट्स ओके। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वाली हील, इसलिए मैंने ये वाली परचेज की थी, और ओवरऑल अच्छी हील आप ये वाली परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो आप हील परचेज नहीं करो, मतलब जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने वो परचेज कर ली है और मैं उन्हें रिटर्न नहीं कर सकती, प्रॉब्लम है कुछ इसलिए नहीं कर सकती, तो वरना मैं पक्का इनको रिटर्न करती, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी वाली हील्स, वो भी मेरे पास आ गई है। तो अब जो हील्स है ना, लाइक ये तीन हील्स मेरी फेवरेट थी, और इसके बाद की जो हील है ना वो मुझे लाइक इसमें से मुझे एक पेयर जो रेड वाला ना ये वाला चाहिए था, इसके बाद वाली हील्स तो मेरे पास ऐसे जबरदस्ती नहीं होता कि बस अब तो ये लेनी ही पड़ेगी, तो ये वाला सीन हुआ है। तो ये वाली हील्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रेड कलर वाली, क्योंकि मेरे पास सारे कलर हो गए, ब्लू हो गए, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो और किसी हील की मुझे नीड लगती नहीं है। बट फिर भी अगर आप देख सकते हो तो इसमें आपको जो शेप मिलती है आगे से ट्रायंगल वाली मिलती है, और थोड़ा सा ना जो इसका फैब्रिक मिलता है वो बहुत शाइनी वाला मिलता है, मैट लुक में बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी स्टेप्स काफ़ी अच्छी है, और इसकी स्टेप्स ना बहुत एडजस्टेबल है। लाइक यहाँ से आप ये निकाल भी सकते हो और इसमें रिबन भी डाल सकते हो अगर इन फ्यूचर ये खराब होती है तो। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है हील की वो भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से कोटिंग की हुई है, जो ये इस फैब्रिक की लाइक शाइनी वाला फैब्रिक है कुछ इसका, वो उससे कोटिंग की हुई है, बहुत अच्छी है, ओवरऑल आप परचेज कर सकते हो वाली। सो बात करते हैं नेक्स्ट हील की, तो ये वाली हील मत परचेज करना, क्योंकि इसका कॉस्ट समथिंग 1300 समथिंग इसका कुछ कॉस्ट है, तो ये वाली बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, स्टेप वाली है प्रॉपर, ये आपको
ऐसे पूरा ना लाइक राउंड राउंड में आके स्टेप्स बांधनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ इसका पैटर्न है। और ये आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको इसमें मिल जाती है वेलवेट में, और हील भी ठीक है, मतलब हील इसकी ऐसे थोड़ी सी डगमगाती है बट इट्स ओके, ये भी ठीक है, मैंने परचेस कर लिया तो क्या बोलूँ इसके बारे में। बट ये वाली हील इतनी कुछ काम की है नहीं, तो ये वाली आप परचेस मत करना, बट इसका लुक काफ़ी अच्छा है इसलिए मैंने परचेस की थी। लाइक शॉर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट है, और स्कर्ट्स पर भी बहुत अच्छे से जाने वाली है इस वजह से, इसकी हील ज़्यादा नहीं है बट ओवरऑल ओके ओके है। सो बात करेंगे नेक्स्ट हील की, तो ये वाली हील भी मैंने फालतू में परचेस की है। लाइक ये वाली जो इसमें शेड मिल जाता है वो आपको न्यूड मिल जाता है, और सुंदर है क्योंकि इसमें जो स्टेप है ये वाली, इसमें आपको ये स्टेप मिल जाती है, प्लस जो सेकंड स्टेप इसमें मिलती है वो आपको पूरी ट्रांसपेरेंट मिलती है, और हील काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे हिल रही थी जब मैंने इसको वेयर किया, और एक बार तो मैं गिर चुकी हूँ इससे, तो इसलिए मैंने इसको अभी तक एक बार वेयर नहीं किया। ट्राई ऑन मैंने ट्राई किया था कि एक बार वेयर करके देखती, पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और मैं इसको वापस नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रीजंस थे इस वजह से। बट आपको ये मिल जाती है, आपको लुक अच्छा लगेगा इसका, अगर आपको कैरी करने में इजी लगती है तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो। बट मैं ये इस पेंसिल हील ज़्यादा परचेस नहीं करती, मैंने एक ही परचेस करनी थी और मैंने इतनी सारी कर ली, तो इसका लुक भी अच्छा है, ठीक है, ओवरऑल ठीक ठीक है, मुझे ज़्यादा इतना कुछ खास लगती भी नहीं है ये, तो ये वाली मेरी सेकंड थी। सो बात करते हैं लास्ट हील की, ये वाली हील मैंने अभी रीसेंट वीडियो में शायद से आपको दिखाई थी, और मैंने बोला था कि मैं इसको रिटर्न करूँगी, रीजंस थे लाइक ये नहीं हुई, रिटर्न नहीं हुई, तो इसलिए ये मुझे रखनी पड़ी थी। तो ये वाली हील मत परचेस करना क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, और इसमें कोई आपको कोई बेनिफिट नहीं है इसका, और इसका कॉस्ट भी समथिंग 700 समथिंग कुछ इसका कॉस्ट है। और हील आपको पेंसिल हील मिल जाती है, वेलवेट में मिल जाती है, और बैक से ये आपको चेन वाली मिलती है, लाइक इसकी जिप है, और ये वाली एक तो जिप पूरी ख़राब है, अब मुझे नहीं पता मैं ये इसको कैसे इसको ठीक कराऊँ क्या करूँ, इसका कुछ आइडिया मुझे है नहीं अभी, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप मत परचेस करना। तो ये सारी हील्स मैंने जो परचेस की थी, लाइक पहले परचेस की थी, और ये मेरा मतलब 2020 का मेरा कलेक्शन है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो इनमें से कुछ भी आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून्ड।